नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं राज कपूर किसान। आज हम लोग हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़, ये आपको जो दिख रहा है सामने, भोलेनाथ जी का मंदिर है और यहीं पर पास में ही हमारा बीके बनाना लगा हुआ है। आइए दिखाते हैं और किसान से मुलाकात भी करते हैं, क्या कंडीशन है पौधे का और छत्तीसगढ़ में किस तरह किसान जो है खेती कर रहे हैं उसको समझते हैं, क्योंकि मार्केट में जो बीके बी किसान के द्वारा किया जा रहा है उसके बारे में आपको दिखा दूँ। राम राम गणेश भाई। राम राम। क्या नाम है आपका? विश्राम वर्मा। अच्छा, कहाँ पे हैं हम लोग? हम लोग गाजमर्रा, मतलब जिला राजनांदगांव, डोंगरगढ़ गांव का नाम गाजमर्रा। अच्छा, प्लांटेशन डेट कब का है सर आपका? 1 जून 2022 का है। 1 जून 2022। फ्लावरिंग भी दिख रही है। इस साल जो गड़बड़ी रही, जैसे भैया को मैं बताना चाहूँगा, कचरा पूरा बहुत ज़्यादा हुआ। हाँ, लेकिन आपने 70-30 कंसेप्ट को फॉलो करते हुए ये कचरा मल्चिंग नाली पाली ये कंसेप्ट किया हुआ है। बारिश का क्या रहा इस साल का शेड्यूल यहाँ पे? वो जो भेजे थे वो ना ना, बारिश कितने समय तक रहा, मतलब काम कितने दिनों तक नहीं कर पाए? जैसे पहली बार बारिश आई थी पौधा आने के बाद में, जून में तो बारिश नहीं आई ज्यादा, लेकिन जुलाई में जो जितनी बारिश हुई उस समय काम नहीं कर पाए ना खेतों में, इधर जो बारिश हुई थी? नहीं, उसमें मेरे को फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, इधर बारिश का उतना मौसम? हाँ, फर्क नहीं पड़ा। जैसे बारिश होता था उसके बाद बंद हो जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी फ्लावर आना शुरू हो गया है। हाँ। एक क्वेश्चन था आपका भैया, 1 जून को पौधा लगा दिया है, आज डेट है 14 फरवरी 2023, मतलब डेट अलग है। हाँ। लेकिन अनजान में दो लोगों को लेना देना नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन किया काफी अच्छा, कई किसान जो है ना, 70-30 कंसेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया है, वो तो आपका बेड और पौधे को झिकझैक प्रणाली में देखकर मुझे समझ में आ रहा है, बराबर जी। लेकिन आपका कहना था कि मैंने जो 7वें महीने में या 6वें महीने में जो बेबी छोड़ना चाहिए वो बेबी मुझे नहीं मिला, तो बेबी तो है ये वाला आपका जी जो कट रहा है जी, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है नहीं मिला भैया। भी नहीं आया है। वीएम स्प्रे भी, मट्टी का स्प्रे भी किया है इन्होंने। लगभग छत्तीसगढ़ में एंट्री होते ही हमें 70-30 कंसेप्ट पूरा, मतलब समझ में दिख रहा है कि आप फॉलो कर रहे हो जी। कुछ आपने 15 दिन या 8 दिन पहले मेरे पास एक वीडियो बनाकर भेजा था कि भैया ये पत्ते पीले होकर नीचे गिर गए जी जी। तो अभी होगा क्या, इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई जी। तो बारिश ज्यादा हुई, अभी ठंडी भी बहुत ज्यादा आई, बराबर। तो उस समय पौधे का भरण पोषण चाहिए उतना पौधे ने अब तक नहीं किया, लेकिन जो बॉडी बना ली है इसने, पूरा स्ट्रक्चर जो बना लिया है, तो अभी जो फ्लावरिंग आ रही है, तो फ्लावरिंग आते समय होता क्या है कि पौधा पूरा नीचे से पूरा अनाज, मतलब बाहर निकालने के लिए अपनी जो ताकत लगाता है उसके लिए अपने बॉडी को वो यूज करता है। तो बॉडी मतलब क्या कि केला मतलब पूरे पत्तों की बॉडी है, तो ये पत्तों को खींचता है। अभी ये चोच पे से ऊपर, जैसे ये मैं बताऊं आर के सर, ये वाला जो पत्ता जा रहा है इधर आइए, ये सामने से जो ये चोच जा रही है ना, ये रिवर्स न्यूट्रिशन जा रहा है, ये पौधे का ये जो फल आया हुआ है ये खींच रहा है। अभी जहाँ पे फ्लावर आने की कगार पे है वो भी दो पत्ते, हरे पत्ते को भी ड्रॉप करवा देगा। अगर उसकी बॉडी में उतना फर्टिलिटी उसने बनाकर नहीं बना के रखा है, अगर स्टोरेज उसने नहीं बनाया है, तो वो स्टोरेज के लिए ये पत्तियों को यूज करेगा। अच्छा। फिर उस समय आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। हाँ। लेकिन आते से ही मैंने आपको बोला कि पानी की कमी हो रही है,
क्या पानी कम दे रहे हो? अब 2 घंटा देता है। हाँ, तो ध्यान ये रखिए कि पीलापन और ये चीजें हैं, तो पानी आपको देना है, मतलब देना है। अच्छा, पानी कम हो रहा है, ये जो तड़े वगैरह जो आ रही है इसके ऊपर जो देखो, ये यहाँ पे जो है ना, आपके यहाँ पे मट्टी का स्ट्रक्चर मैंने जो देखा है, पानी देने के बाद फूल जाती है, पानी नहीं दो तो फिर टाइट हो जाती है, बराबर। अभी ये कचरा मल्चिंग वगैरह जो करके रखी है, इसका बेनिफिट आपको अगले साल के लिए बहुत ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसके नीचे नमी बनी रहेगी, तो नमी जहाँ रहेगी वहाँ मट्टी फुटरी रहेगी, फुटरी रहेगी मतलब जीव जीव जो वो रहेगा ऊपर नीचे होने वाला जी, जी। तो जड़े अच्छे से चलेगी जी। और बारिश का मैंने बताया कि जैसे जैसे जब बारिश खत्म होती है ना जी। उस समय मट्टी क्या रहती है, मट्टी में मॉइस्चर होता है जी। तो बारिश खत्म होते होते आपको करना क्या था, ये नाली में जो मट्टी थी, एक फावड़ा मट्टी उठाकर यहाँ इसके टखने को ढकना था, ताकि ये वाली जो ये बाहर निकलने वाले जो आंखें है ना, ये आंख ये जो आंख है ना, ये आंख के ऊपर अगर आप मट्टी लगाते तो यहाँ से नए बेबी निकल के आ जाते। अच्छा। तो आपके पास नंबर, आप काउंटिंग रहता कि कौन सा बेबी मैं अभी सिलेक्शन करूँ। हाँ। तो ये समय निकल गया, लेकिन बेबी अभी और आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कचरा ये लगा दिया आपने मट्टी। अच्छा। तो वो जड़े भी अंदर चली जाएगी, वो भी पौधे का सपोर्ट बनाएगी। अभी भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, मट्टी हार्ड हो गई है, इतना पानी दे नहीं सकते हो, तो एक बार इसमें एसिड ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। अच्छा। तो 5-7 घंटे जब लाइट रहेगी आपके पूरे दिन की, उस दिन एक बार एसिड ट्रीटमेंट इसमें कर लो। दूसरा, कचरा बहुत ज्यादा तादाद में है तो इसमें जीवा अमृत आप देते रहिए महीने में एक बार। तो कचरा जहाँ रहेगा, या वेस्ट डीकम्पोजर भी आप दे सकते हो, जीवा अमृत को बनाकर उसका स्प्रे भी इसके ऊपर ले सकते हो, ताकि बैक्टीरिया कॉलोनी जब बढ़ेगी तो ये कचरे को तुरंत ये खत्म करेगा। जैसे मान लो कचरा खत्म हो गया, उसके ऊपर जैसे और कचरा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये फल कटेगा तो और इसके जो पत्ते हैं ये निकलेंगे, ये पत्ते कट करके और अगले साल के लिए बायोमास कार्बन रहेगा, और ये सेकंड चलता रहेगा। वैसे तो फल वगैरह अच्छा आया हुआ है आपका, ये जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पंजे आए हुए हैं। हेलो, है ना। अभी बंच मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो क्या, इसका नीचे का ये फल तोड़ना वगैरह ये चल रहा है? चल रहा है ना। अच्छा अच्छा, आपने तो फल को हेलो पन्नी भी लगा के रखी है, और आरके सर प्रॉपर वे से किया हुआ है। हाँ, ये देखो। हाँ चल ठीक है। ऊपर से पेपर लगाया है, और इसको थोड़ा सा क्या करना है, इसको पैक नहीं करना है जी, है ना, इसको खुला रखना है। हाँ हाँ, लेने करी के बाद दूँ, एक करी के बाद दूँ। ये गोबर की पोटली भी, इसको जो है ना, हाँ। ये नीचे से बांध के रखा था, अभी तो ठंडी खत्म होने के कगार पे आ गई, तो इसको थोड़ा सा खुला रखो ताकि हवा का आवागमन आता रहे। ये पन्नी वगैरह भी आपने ऊपर से लगा के रखी है। दूसरी बात, हमने हर बार बोला है कि जो डंडा है, ये ऊपर से जो डंडा है ना जी, ये यहाँ टॉप पे, हाँ। सीधे सनलाइट वहाँ पे आती है तो वो भी बर्न होता है। हाँ। तो वहाँ पे भी पेपर बांध के रखना है आपको। अच्छा। यहाँ पे ठीक है ना, ठीक, ठीक, ठीक। पेपर बांध के रखोगे तो यहाँ पे छाव रहेगी। मैं वो क्या है ये खाली, हाँ। ये पत्ते से इसका संरक्षण नहीं होगा। अच्छा। पत्ता अभी 15 दिन में सूख जाएगा, सूखने के बाद में ये डंडा सूखना चालू हो जाएगा, तो इसके साइड से जितनी इसकी सेल वॉल है, इतने इसके साइड के जितने केले के पंजे हैं, मतलब आपने दिशा के, वो सब आड़े टेढ़े पीले मिलेंगे आपको। अच्छा। भरण पोषण उतना अच्छा नहीं होगा, समय से पहले पकना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। समझ रहे हो, समझ गए। इधर की साइड की सेल वाल जीवंत है तो उसको भरण पोषण नीचे तक अच्छा मिलेगा, तो आपको जो आपका लुंगर है ये वाला, तो इधर की साइड वाली जिसमें ऊपर से सनलाइट से जो जले हुई इसकी सेल वाल है, वो भोजन पोषण नहीं देगी, तो वो केले अच्छे नहीं दिखेंगे, लेकिन इस साइड के केले आपको अच्छे दिखेंगे, मतलब मैच्योरिटी से पहले आपकी ग्रोथ हो जाएगी। अच्छा। फिर आप बोलोगे कि यार ये क्या हो गया, क्या? तो इसीलिए डंडे को ऊपर से ढक के रखना है। ढक के मतलब आप पेपर से ढक सकते हो, या फिर हमारे तरफ करते क्या है, एक दराती होगी तो मुझे लेकर आओ, हसिया, तो हमारे तरफ एक प्रोटोकॉल करते हैं हम लोग, मैंने बचपन में किया हुआ है, मैं आपको बना के देता हूँ। उसे घोंगड़ी बोलते हैं हम लोग मराठी में, घोंगड़ी बोलते हैं उसको, वो घोंगड़ी कैसे बांधते हैं, क्या करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मट्टी का स्प्रे वगैरह भी हो गया है, हाँ। मैं कुछ लिंगर दिखाना चाहूंगा। अच्छा, टैगिंग भी आप प्रॉपर वे से कर रहे हो। अरे सर, ये होता है, इसको फॉलो करने का जो नतीजा है ना, ये ऐसा होता है। दूसरी बात, नीचे तक की केले की लेंथ अच्छी है। दूसरी बात,
मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, जैसे आपने इसके ऊपर वीएम स्प्रे मट्टी का स्प्रे कर दिया है, देखने से ऐसा लगता है कि यार ये क्या कर दिया। कभी भी व्यापारी को खेत में लाने से पहले ध्यान ये रखना कि उसको ये मट्टी का स्प्रे नहीं दिखाना है। अच्छा, उसको करना क्या, जैसे आज के डेट में आपने टैग लगा हुआ है तो आपके पास लिखा हुआ है कि 100 को मैंने टैग लगाया है, तो यही टैग को निकालना है, पंप में 15 लीटर पानी में एक शैम्पू पाउच डालना है, उसको हिलाकर इसको पूरा क्लीन कर देना है सादे पानी से। अच्छा, तो क्या हो गई, मट्टी धुल गई, तो वो दिखेगा कैसे, एकदम चकाचक। अभी उसको बोलना है ये वाला लुंगर मेरा कटने के लिए आ गया, अभी इसको देख ले, उसको ये दिखाओगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी खेत में आएगा तो पहले आंखों से खाएगा वो। फिर वो अगर मिट्टी दिखा दोगे, केला इतना लंबा भी है, देखो आर के सर, केले की साइज अगर देखोगे तो नीचे वाला केला भी एकदम लंबा है, आज की डेट में ये 5 से 6 इंच का केला है, ये लास्ट वाला है ना। तो आज के 3 महीने बाद, जैसे अभी जैसे गर्मी बढ़ेगी तो 80 से 90 दिन में ये फल भरण पोषण के लिए आएगा, ठंडी अगर ज्यादा चली तो फिर 110 से 100 दिन में आएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर 70 से 75 दिन में ही ये कटिंग होके चला जाएगा। ये आपके यहाँ का वातावरण वेदर आपको ध्यान में रखते हुए ये काम करना है जी, ठीक है। ये ऐसा भी रहेगा तो चलेगा, इसको मैं ये टैगिंग बांध लेता हूँ। दूसरा, गोबर की जो पोटली है ना, ये नीचे नहीं है, इसको सट के होनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, और ये जो डंडा है और यहाँ तक आना चाहिए, और यहाँ गोबर की पोटली होनी चाहिए, कम से कम ये फल जो रखा हुआ है इससे 12 इंच से 9 इंच नीचे, तो ये आपको अच्छा वर्क करने के लिए आगे बढ़ोगे। वरना ये होगा क्या, जैसे जैसे ये सूखेगा ना तो ये डंठल ऊपर जाएगा, आपने वैसे ये केला रखा हुआ है जी, बराबर जी। लेकिन कभी भी 2 केले रखना है, एक ये 2 और यहाँ से कम यहाँ तक, और यहाँ पोटले आनी चाहिए, तो वो अच्छा सिम्टम है, ठीक है जी। इतना ध्यान रखना है जी। दूसरा, मैं ये बोल रहा था आपको कि कई सारे किसानों को आर के सर पता नहीं है कि अरे इसको मैं रखूँ कैसे। अभी गर्मी में हम लोग बोलते हैं कि पत्तियां नहीं काटनी, लेकिन आपके पास पर्याय भी नहीं है कि अभी इसको ढकू कहाँ से। हमारे तरफ करते क्या है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो जहाँ पे खेत खाली हो गया है, जैसे जिसका माल कटिंग होके चला गया है, वहाँ पे रेडी रहता है ये वाला मटर। जैसे इसको करना क्या है, ये ऐसे कट करते हैं, ये एक्चुअल करना नहीं चाहिए, लेकिन अभी ये नहीं है, यहाँ से आपका गड़बड़ है। ये छिलना नहीं चाहिए, इसको करना चाहिए, पकड़ो। इसका जो आधा है ना ये वाला जी, इसको बांध लेना है, इसको ये पैर के ऊपर ऐसा मारते हैं यहाँ पे। अच्छा, है ना। हाँ, तो ये टूट जाएगा, ये पैंट खराब हो जाएगी मेरे। अभी इसको करेंगे क्या, हाँ, इसको इसी फाटे वाली काड़ी होती है, हाँ, जो फाटे वाली काड़ी को वहां पे डालेंगे, हाँ, उसमें डाला, हाँ, तो ऊपर से दबा देंगे तो ये घुंगड़ी का काम करेगा। कुछ है टेबल वगैरह रखने, हाँ, के लिए लाइए, टेबल है, ये आपने भी नहीं किया होगा आपके यहाँ पे। तो यहाँ से जितना सनलाइट आने वाला है वो आपको इससे बचाव करेगा, ठीक है। अभी चारों तरफ से गन्ना घास लगी हुई है आर के शरीर की, देखो इन्होंने वॉल प्रोटेक्शन साइड में करके रखा हुआ है, तो ये कर लिया तो ऊपर का डंडा नहीं सेके जाएगा आपका। बीच में पानी चलाओ, साइड से नया बेबी चाहिए। हाँ। अभी आज के डेट में आर के सर क्या चाहिए था इनके खेत में, जो नया बेबी है वो यहाँ तक चाहिए था, ताकि जैसे जैसे भरण पोषण करेगा वैसे वैसे उसकी पत्तियां आएगी। तो नंबर ऑफ लीफ जितने ज्यादा रहेंगे गर्मी में, मैं मार्च की बात कर रहा हूँ, उतना मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी, तो यहाँ पे भाप नहीं बनेगी ज्यादा जी। अभी मार्च में यहाँ साइड से बेबी नहीं है, खाली ये है, ये भरण पोषण के लिए पत्तों को खत्म कर रहा है, तो
तो फिर यहाँ क्या रहेगा, धूप आएगी, टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर आएगा तो तना सेका जाएगा, तना सेके जाएगा तो पौधा जिस दिशा में ये फल भरा हुआ है, जिस दिशा में उसका वेट टंगा हुआ है, उस दिशा में पिचकना चालू हो जाएगा। हाँ। फिर बाद में बोलोगे कि यार कौन सा ये पौधा लगाया नहीं, ये क्या मैंने कर दिया। थीम को समझना है जी, बाकी कुछ नहीं है, नहीं तो फिर लोकल प्रैक्टिस जो है उस हिसाब से करो, कई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे उधर आधे से ज्यादा जो 70-80% किसान है उनके खेतों में यही जॉब वर्क चल रहा होगा। अच्छा। हमारे यहाँ बोलते हैं घर ढकायला चालता का, मतलब मराठी में बोलते हैं घर ढकने के लिए चल रहे होते। अच्छा। इसको यहाँ से ऐसे टाइट में खींच हाँ। लेते इधर से जी। ये गिरेगा नहीं इसके लिए, है ना जी। हाँ, कुर्सी का उधर ही होगी, उधर ही होगा, जा कुर्सी होगी। अभी देखो ऊपर से सनलाइट भी नहीं आएगा, ये इतना पत्तों का इसके ऊपर छाव रहेगा तो दिक्कत नहीं जाएगी। इसमें ये काढ़ी बनानी पड़ती इतनी बड़ी, एक साइड से ऐसा रहेगा, एक साइड से ऐसा रहेगा। ये ऐसी वहां पे लिया रखा, वहां पे रख दिया तो ये वाला आंकड़ा वहां से दबा दिया, काम खत्म। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खाली इसको कट करो, वैसे बना, ऊपर से डाल दो तो जितना भी सनलाइट आएगा। अभी देखो कितनी छांव हो गई पौधे की, छांव हो गई। ये करना पड़ेगा जी, और ये पूछना भी पड़ेगा। जैसे ये है इसको भी आप कर सकते हो। अभी ये डंडा है, अभी तो टेम्परेचर नहीं है, इसको ऐसा राउंड करके वो घोंगड़ी बना के इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। इसको तोड़ दो, ये हो गया। आप जो बोल रहे हो कि फ्रूट केयर चल रहा है तो मैं इसको नहीं तोड़ता हूँ, है ना, चल रहा है। और केले के ऊपर इतना गाढ़ा स्प्रे मत करो, मट्टी जब डालते हो ना जी, आज मट्टी डाली अपन ने जी, आरके सर इसमें भी एक समझ में आ रहा है कि किसान डायरेक्ट पूरी मट्टी छिड़कता है। हमें मट्टी में जो ऑर्गेनिक तत्व है उसको एक्टिव करके खाली फोगिंग करना है, खाली इसको स्मेलिंग करवाना है। तो 200 लीटर में जब आप मिट्टी डालते हो और वाइसोमेंटा डालते हो तो उसको 20 से 25 मिनट हिला लो जी, उसको 24 से 36 घंटे रखते हो ना। हाँ, रखते हैं। तो मिट्टी पूरी नीचे बैठ जाती हाँ। है तो ऊपर ऊपर का जो अच्छा पानी बचता है जी, उसमें मिट्टी तो दिखती ही नहीं है, दिखती। वही उस पानी को लेना है जी, कपड़े से छान कर उसको स्प्रे कर देना है। मैं बोल रहा था उसमें इससे नोजल भी बार बार चोक हो रहा होगा आपका, वो डंडे वाला होगा तो वो भी गड़बड़ कर रहा होगा, बैटरी वाला है। हाँ, लेकिन गड़बड़ तो कर ही रहा होगा ना, नोजल तो फोगिंग नहीं कर पा रहा होगा, उसमें तो क्ले आता होगा तो बार बार चोकअप होता होगा ना। तो मट्टी को नीचे बैठने देना, ऊपर ऊपर का छाछ जो साग रहेगा उसको ही इसके ऊपर स्प्रे करना है, बस उतने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। केले की लंबाई वगैरह तो एकदम बढ़िया है। दूसरी बात, जहां जहां पे पानी रुका हुआ होगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बीच बीच में जहाँ पानी रुका है, है ना, मुझे तो पता नहीं है कि आपका पानी कहाँ रुका है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ कि आपके खेत में कहाँ पे पानी रुकता है। अभी ये वाला जो पोर्शन है, अभी आगे भी नहीं मैं जा रहा हूँ, आपके खेत में ये पोर्शन है, ये गड्ढा है, ये ऊपर है, आगे और जाएंगे तो पौधे और अच्छे दिखेंगे उधर आगे जी। सही बात है, मैं तो गया भी नहीं अभी, मैं खाली अंदर जा रहा हूँ, तो अभी मुझे एनालिसिस हो रहा है कि ये पौधे अभी यहाँ ये ऐसा है, इस जगह पानी ज्यादा, जो ये पानी रुकेगा यहाँ पे पौधा छोटा रहेगा, आगे जाओगे वैसे वैसे पौधे की हाइट अच्छी रहेगी, जहाँ पानी रुकेगा डबरी बनेगी वहाँ पे पौधा बारिश में नहीं चल पाएगा ना, ठंडी में चलेगा, वो एक बार रुक गया, जड़ रुक गई आपकी, ब्लैक हो गई, मतलब पौधा उतना चलेगा नहीं, वो अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है ना जी। पानी रुकता है ना, डबरी बन रही, खेत का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये इधर का पानी भी यहाँ आता है, इधर का पानी भी यहाँ आता है, तो ये डबरी बनेंगे तो यहाँ पे पौधा थोड़ा सा स्लो ही चलेगा। शुरुआती चरण में अभी क्या करो, सामने से ये मैंने जो बना के दिया आपको वैसा बनाओ, ये ऊपर रखो बराबर, इसको तरीके से फ्रूट केयर करो, है ना।
यहाँ तो अभी भी है। हाँ, तो उसकी वजह से पौधा चल नहीं पाएगा ना। सेकंड रेट बराबर रखना। दूसरी बात, आपने पोटली लगाई है तो ये खाली स्मेल देने के लिए नहीं है। पोटली, ये पोटली इसलिए है कि जहाँ से आप इसको तोड़ते हो ना, तो वो इंजुरी होती है, जहाँ से वो ब्लड टपकता है उसका टप 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 टप, वो तुरंत उसमें चला जाना चाहिए और उसके डायरेक्ट उसको सटा के चाहिए ये ऐसा। अच्छा। और ऊपर से जो पंजा रखा हुआ है उसके कम से कम 9 इंच नीचे यहाँ पे, ठीक है, तो वो वर्क करेगा अच्छे से। ठीक है, जहाँ पौधे ने अपने कैनोपी ले लिए आपके साथ, तो वहां पे अपने आप में पौधा अच्छा है। जहाँ बैठ गया है पौधा, जहाँ वहां बैठ ही गया है, ये वाला है ना। अभी ये खेत ऐसा भी है इधर, जैसे ये बीच मर गया था, हम लोग वहाँ प्लांट था, वहाँ का पौधा लाके लगाया। अच्छा, हर जगह मत रहे। ये मतलब उस समय पे मर गया था। पूरा प्रॉपर वे में अगर आप जाते हो तो वो अच्छा रहेगा। ये घास भी काफी सारी हो गई है, आपको एक दो बार निंदाई गुड़ाई करके खेत में चारों तरफ से ये घास वगैरह निकाल दो जी। और मट्टी को इतना गाढ़ा नहीं करना है, ध्यान रखना कभी भी मट्टी को इतना गाढ़ा नहीं मारो, है ना, वरना कल के दिन और बोलोगे कि यार इन्होंने ये क्या मट्टी का स्प्रे बताया और ये व्यापारी तो बोल रहे क्या मार दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना देखने के लिए आप लोगों को भी। इसको नॉर्मल पानी से नहीं, वो नहीं मार रहा था, लेकिन जैसे मिट्टी मारने से कीड़ा अंदर नहीं घुसता है। सही बात है, वो तो इसीलिए तो बोल रहे हैं हम लोग की कीड़ा भी नहीं आएगा, शकिंग प्रे पेस्ट थ्रिप्स माइट्स कुछ नहीं आएंगे। दूसरा, पौधे ये इसमें न्यूट्रिशन भी है ना, मट्टी मतलब न्यूट्रिशन आया, पौधा मट्टी पे ही तो खड़ा है ना, तो वो न्यूट्रिशन की भी पूर्ति करता है। लेकिन देखने के लिए तो मैंने जो बोला कि उसके मल्टी ऑर्गेनिज्म जो ऊपर आ जाते हैं, वो नीचे क्ले जो बना हुआ है उसको नहीं लेना है। ऊपर में जितना फर्मेंटेड मीडिया है उसको कपड़े से छान लो और इसके ऊपर फॉगिंग स्प्रे कर दो, बस उससे भी नहीं आएगा इसके बाद। हाँ, वो मट्टी का स्मेल खाली इसके ऊपर दे देना जी, बराबर जी। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा अच्छा सा पानी डाल के धो देना, पानी मतलब कि पंप में सादा पानी लेके इसके ऊपर कर देना, तो ये मट्टी धुल के नीचे आ जाएगी। आप अभी देखो कोई शकिंग पेस्ट नहीं, कुछ नहीं इसके ऊपर, आएगा ही नहीं मट्टी के ऊपर, वो अच्छा प्रयास है आपका। लेकिन दूसरी बात, पानी की कमी हो रही है। ऊपर के पत्ते आप दिखाओगे, आर के सर ये दिखाओ, ये कई सारे लोगों के क्वेश्चन है, है ना, तो पानी की कमी है। अच्छा, पानी कमी। हाँ, और दूसरी बात कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से आपकी ज़मीन जो है ना, पानी देने के बाद फूल जाती है, पानी थोड़ा सा भी कम हुआ मतलब टाइट हो जाती है, बराबर, इसमें टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो आप हर महीने में अभी एसिड ट्रीटमेंट करो। एसिड ट्रीटमेंट किया हुआ है क्या अभी तक? कब किया था? 15 दिन पहले किए। सल्फ्यूरिक एसिड? हाँ सर। कहाँ से लाते हो? ये राजनांदगांव से लाते हैं। अच्छा, तो एसिड ट्रीटमेंट कर लो और उसके बाद में पानी चलाओ। ठंडी में चूने वाला प्रयोग किया था? हाँ, वो भी किया था। अच्छा, 3 बार। ठीक है, ओके ओके। पानी की थोड़ी कमी हो रही है तो पानी के पेशे को देख लो और इसके ऊपर वेस्ट डीकम्पोजर चलाओ। जहाँ जहाँ ज्यादा हरा कचरा है उसको निकालने का प्रयास करो, ताकि हरी चादर नहीं होनी चाहिए, हमें बायोमास की जो सूखी हुई पत्तियां है वो चाहिए। हरा हमारे लिए अभी काम का नहीं है, वरना जितना हरा रहेगा उतना इस प्लांट का न्यूट्रिशन वो खींचेगा और आपका प्लांट पीछे चलेगा, है ना। ठीक है, ठीक है भैया।